हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अनुराग में। दोस्तों आज हमारे पास एक रियल मी 2 प्रो का सेट है दोस्तों, जो फुल्ली लॉक्ड है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरह जो यूट्यूबर्स फेक वीडियो डाले जा रहे हैं यूट्यूब पे। एक ये दोस्तों, ये ऑनलाइन पहली बार दोस्तों ये ऑनलाइन अनलॉक होने वाली सेट है, जिसको वो लोग ऑफलाइन अनलॉक कर दे रहे हैं, वो भी MRT से, MRT 3.15 या कोई भी क्रैक दोस्तों, MRT का जो भी लेटेस्ट क्रैक चल रहा है उसी से दोस्तों ये इसे अनलॉक कर रहे हैं। ना जाने दोस्तों वो किस तरह अनलॉक कर रहे हैं, बट मुझसे तो अनलॉक नहीं हुआ, इसलिए मैं दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि उस वीडियो पर आप भरोसा ना करें दोस्तों। ये ऑनलाइन अनलॉक होने वाला सेट है दोस्तों, ये ऑफलाइन अनलॉक नहीं होता, चाहे कितने भी कोशिश कर ले। अगर ऑफलाइन होता भी होगा दोस्तों तो ये विदाउट UEFI का अनलॉक नहीं होगा दोस्तों, वही एक चारा है UEFI EMC से दोस्तों इसे अनलॉक करने का। इसके बाद दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ किस तरह अनलॉक किया गया है दोस्तों। इसे MRT से अनलॉक किया गया है। इसको अनलॉक करने सिंपली दोस्तों क्या करें, आप इसका लेटेस्ट जो USB ड्राइवर उसको इंस्टॉल कर लें दोस्तों। जो इसका जो CPU है दोस्तों क्वालकॉम का है, इसलिए आप क्वालकॉम का लेटेस्ट USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। देख सकते हैं दोस्तों मेरा MRT का जो है, मैंने जो ओपन किया दोस्तों USB 32 बिट से ओपन किया है दोस्तों MRT को। ये क्रैक है 3.1 क्रैक है, और दोस्तों वो लोग 2.60 क्रैक से भी ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि MRT के जो भी क्रैक है दोस्तों लेटेस्ट उससे वो ओपन कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हम भी ओपन करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ही डाटा वाला कनेक्ट कर रहा हूँ, वही फ़ोन है। देख सकते दोस्तों मैं आपको डिवाइस में जो दिखाया था एक बार, फ़ोन हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। देख सकते दोस्तों हमारा डिवाइस में जो ओपन हो गया है, चलिए इसको कॉम पोर्ट में देख सकते हैं। देख सकते क्वालकॉम USB लोडर दोस्तों, SS USB लोडर 9008 COM7 में दोस्तों, COM port 7 में दोस्तों डेट हो चुका है। चलिए दोस्तों यूट्यूबर्स क्या जो यूट्यूब में जो वीडियोस में क्या हो रहा है दोस्तों, इसको F3 Plus पे ले रहे हैं, ओप्पो के F3 Plus मॉडल पर लेके इसको फॉर्मेट पर कर दे रहा है, जिससे ये फॉर्मेट हो जा रहा है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। F3 Plus मॉडल सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ फॉर्मेट का टैब पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट अनलॉक पर दोस्तों, और सिंपली स्टार्ट बटन पर हिट करेंगे। देख सकते दोस्तों हमारा इसका हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन लगा, देख सकते टाइम आउट बता दिया दोस्तों। ये दोस्तों ये बोल रहा है कि हमारा जो पोर्ट है उसको फिर से रीचेक करें दोस्तों। हमारा मोबाइल तो PC ने डिलीट कर लिया, बट ये जो MRT का जो क्रैक है वो इसे डिलीट नहीं करने पा रहा है। देख सकते दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने इसे दिखाया दोस्तों, ये वर्क नहीं कर रहा है। देख सकते दोस्तों हमारे जो MRT का जो क्रैक है दोस्तों वो वर्क नहीं किया। जो फ़ोन Realme 2 Pro का है दोस्तों अनलॉक नहीं हुआ दोस्तों। आपकी मर्ज़ी, आप YouTube के वीडियो पर भरोसा करिए, मेरे वीडियो पर भरोसा करें दोस्तों। बट दोस्तों ये जो ऑनलाइन अनलॉक होने वाला फ़ोन है, ऑनलाइन ज़्यादातर अनलॉक होता है दोस्तों, MRT से तो ये अनलॉक नहीं होगा दोस्तों। कितना भी कोई कोशिश कर ले ये अनलॉक नहीं होने वाला है। और जो भी ये वीडियो छोड़ रहे हैं वो जाने वो किस तरह अनलॉक कर रहे हैं, वही जाने, मैं तो नहीं जानता दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों और भी जो हमारे से दोस्त है दोस्तों, मोबाइल बनाने वाले दोस्त है दोस्तों, वो इन सब फेक वीडियोस को चपेट में ना आए दोस्तों। वो अपना खुद से कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय भारत। घर पर दोस्तों सुरक्षित रहें, अपने आप को सभी बीमारियों से दूर रखें दोस्तों। ये जो कोरोना का कहर चला उससे भी बचिए, अपने घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए।